आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के संपूर्ण दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और अपने सारे पापों और अपराधों के लिए माफी मांगते हुए आज रात को अच्छी नींद मिलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। ए करुणामय पिता, ए सर्वशक्तिमान पिता, यीशु को हमारे बीच में भेजने वाले स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के संपूर्ण दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। जीवन के दुख सुख के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी सफलताओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी विफलताओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तंगी, कमजोरी, दुर्बलताएं, पाप, अपराध, रोग, पीड़ा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। एक एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तूने हमें आज के दिन जीने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जीवन के एक एक पल के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक सांस के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। ये दयालु पिता, तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 50:23 में, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चाहता है वही मेरा सम्मान करता है। हम तेरा सम्मान करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। एक एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस समय विशेष रूप से हम अपने सारे पाप और अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के 1:14-15 में तेरे पुत्र यीशु ने हमें सिखाया कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आ गया है। हम चाहते हैं कि तेरे स्वर्ग के राज का अनुभव करें पिता, उसके लिए हमें पश्चाताप का वरदान दीजिए। जीवन में हमने बहुत सारे अपराध किए हैं। आज के संपूर्ण दिन में हम बहुत सारी दुर्बलताएं हुई हैं, बहुत सारे पाप हुए हैं। उन सारे पापों के लिए हम इस समय तुझसे माफी मांगते हैं। पापों को मिटा देना पिता, एक एक कलंक को मिटा देना पिता। हमारे मन और हृदय को इस समय स्वच्छ करना, शुद्ध करना। हमारी नजरों को शुद्ध करना, पवित्र करना। अंधविश्वास से हमें बचा के रखना पिता। हर प्रकार की बुराई से समय में स्वतंत्र करना। आज की इस रात में हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। हमारे जीवन की एक एक बात को तुझे समर्पित करते हैं। तेरे एक एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। जिस तरह प्रभु यीशु ने अपने जीवन को समर्पित किया, क्रूस पर एक महान बलिदान के रूप में समर्पित किया, उसी तरह हम अपने जीवन की एक एक बात को तुझे समर्पित करते हैं। खेत खलिहान को, काम काज को, हर परिश्रम को, हर एक बात को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। परिवार के एक एक सदस्य को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हे दयालु पिता, हमें सुरक्षा प्रदान करना। अंधकार की शक्तियों, दुष्ट आत्माओं से हमें बचा के रखना। मत्ती के सुसमाचार के 28:20 में तेरे पुत्र यीशु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हे दयालु पिता, हम जानते हैं तेरे पुत्र यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारे साथ है। तेरा सानिध्य हमें प्रदान कर। आज की संपूर्ण रात में हर प्रकार के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा से हमें बचा के रखना। हर तरह के खतरे से हमें बचा के रखना। शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से हमें बचा के रखना। हमारी आत्माओं को सुरक्षा प्रदान कर। हमें शांति दे। हमारी आत्माओं को शांति दे। जिस तरह एक बालक या बालिका अपनी माँ की गोद में सोया हुआ है, सोई हुई, उसी तरह हमें शांतिपूर्ण निद्रा प्रदान कर। आज ये पूरी रात हमारे लिए शांति की रात हो, अनुग्रह की रात हो, आशीष की रात हो। अपना सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। हे दयालु पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम पर, तेरा दाहिना हाथ मेरे इन भाई बहनों के सिर पर रख, उन्हें तेरा संरक्षण दे, हर प्रकार की विपत्ति से उन्हें बचा के रखना। आज इस रात को तेरा सानिध्य उनके साथ रहे। हमेशा वे महसूस करें कि प्रभु का आत्मा मेरे करीब है। वे प्रभु की आत्मा में अच्छी नींद पाए, कल सुबह वे ताजगी के साथ उठ सके। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।
आशीर्वाद।